हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर्स, और इस वीडियो क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स और दूसरे सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, यहाँ पर एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। देखिए, द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है? पूरा सेंटेंस यदि हम ध्यान से पढ़ें तो स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कंप्लेन टू समबडी। ठीक है, कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, कंप्लेन टू समबडी। अब इसके बाद दो चीज़ों के खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। एक तो हम किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और एक किसी चीज़ के लिए हम शिकायत कर सकते हैं जिससे हमें डिससेटिस्फेक्शन है। तो जब हम किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उसके लिए हम अगेंस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वार्डन का हमने यूज़ किया है, तो वार्डन क्या है? एक पर्सन है, और पर्सन के लिए यहाँ पर हमने अगेंस्ट प्रपोजिशन का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो कंप्लेंट की है वो दो चीज़ों की है, एक तो अगेंस्ट, एक तो वार्डन के अगेंस्ट और एक पुअर मैनेजमेंट के अगेंस्ट। तो पुअर मैनेजमेंट जो है ये थिंग की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये पर्सन नहीं है। तो पर्सन के लिए हम अगेंस्ट लगाते हैं और थिंग के लिए हम ऑफ या अबाउट लगाते हैं। तो वो एक और प्रपोजिशन जो आएगा वो यहाँ पर मिसिंग है। द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड ऑफ द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा या तो ऑफ या अबाउट, क्योंकि पुअर मैनेजमेंट की उन्होंने शिकायत की है और वार्डन के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। तो यहाँ पर एक प्रपोजिशन और आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसमें दो प्रपोजिशंस का आपको यूज़ करना है और इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक है वार्डन और एक है थिंग। तो वार्डन के खिलाफ हम अगेंस्ट लगाएंगे क्योंकि वो पर्सन है, और पूरा मैनेजमेंट जो कि थिंक की कैटेगरी में आता है उसके लिए हम ऑफ या अबाउट का प्रयोग करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं, कंप्लेन टू समबडी। ठीक है, कंप्लेन के बाद यदि समबडी किसी व्यक्ति से हम शिकायत कर रहे हैं तो उसके लिए हम टू लगाएंगे, किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि हम शिकायत कर रहे हैं तो अगेंस्ट लगाएंगे, और किसी चीज़ के लिए यदि हम शिकायत कर रहे हैं, ये समथिंग है एक्चुअली, तो उसके लिए हम अबाउट या ऑफ का हम यूज करेंगे। कंप्लेन अबाउट समथिंग, कंप्लेन अगेंस्ट समबडी और कंप्लेन टू समबडी। ठीक है, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। तो ये इसका सही सेंटेंस होगा, इस तरीके से इनको करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। अब देखिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक साइंस का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ का प्रयोग किया है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो थर्ड फॉर्म कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? कम होती है, कम केम एंड कम। और चूंकि यहाँ पर इसको हमने एक सिंगुलर टॉपिक की तरह यूज़ किया है तो इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं एम्प्लॉयज, जो कि सही है। वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, ठीक है, हाईली जो है ये पेड को क्वालिफाई कर रहा है। पेड क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि टेक्नोक्रेट्स के लिए आया है, और पेड को फिर मॉडिफाई कर रहा है हाईली, और हाईली को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। वेरी एक एडवर्ब है, हाईली एक एडवर्ब है, पेड एक एडजेक्टिव है और टेक्नोक्रेट एक नाउन है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है यहाँ पर ये सही है, वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, एम्प्लॉय में एस जो लगा हुआ है वो सही है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है? देखिए, जब हम बोलते हैं कम टू एज, कम टू एज एक्चुअली करेक्ट फ्रेज नहीं है, सही फ्रेज है कम ऑफ एज। कम ऑफ एज के कई सेंसेस में इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम फिजिकल सेंस में भी यूज़ करते हैं और इसको फिगरेटिव सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि एडल्ट हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ही और शी हैज़ कम ऑफ एज। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, वॉचिंग माई डॉटर कम ऑफ एज,
हैज़ बीन द बिगेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ। ये भी एक अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। और इसका एक फिगरेटिव सेंस में इसका यदि यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ का मैच्योर हो जाना या उसका एडवांस लेवल पर आ जाना। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, रिसाइकलिंग इज एन इशू दैट हैज़ कम ऑफ एज इन ब्रिटेन इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में ब्रिटेन के अंदर रिसाइकलिंग जो है वो मैच्योर हो गया है, वो एडवांस हो गया है। तो कम टू एज के स्थान पर हम कम ऑफ एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कम ऑफ एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। तो इस तरीके से ये सही सेंटेंस हो जाएगा आपका, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ही ऑलवेज इंसिस्ट्स दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। प्रेफर का अर्थ होता है बेटर देन, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेफर के बाद, चूँकि प्रेफर का अर्थ होता है बेटर देन या मोर देन, तो इसके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। प्रेफर के बाद देखिए दो फ्रेजेज आ सकते हैं, दो प्रपोजिशन आ सकते हैं। एक तो प्रेफर के बाद हम टू लगाते हैं और एक हम रादर देन लगाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं। टू हम कब लगाते हैं? टू हम लगाते हैं जब हम नाउन या जेरेंट को कंपेयर करते हैं, और रादर देन हम लगाते हैं जब हम टू प्लस वी वन को कंपेयर करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो नाउन को, वैसे जेरेंट जो होता है वो भी नाउन फॉर्म ही होता है, वर्बल नाउन इसको हम बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो दो नाउन को या जेरेंट को यदि हम कंपेयर कर रहे हैं प्रेफर से, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू प्लस वी वन का, तो उसमें हम रादर देन का प्रयोग करेंगे, और रादर देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू प्लस वी वन को हम कंपेयर कर रहे हैं टू गो एंड टू स्टे, तो इसलिए इसमें हम रादर देन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही ऑलवेज इंसिस्ट्स दैट ही प्रेफर्स टू गो होम रादर देन स्टे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे, तो यहाँ पर इसमें गलती है, इसमें हम बोलेंगे रादर देन स्टे, ठीक है। यहाँ पर हम चूंकि टू प्लस वी वन को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको हम रादर देन से कंपेयर करेंगे। टू से हम कंपेयर करते हैं आपका दो नाउन को या दो जेरेंट्स को, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, या आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से टू का हम यूज़ करते हैं। जब वर्ब आती है इसमें, तो उसके साथ, जैसे यहाँ पर टू गो आ रहा है, तो इसके साथ हम रादर देन का प्रयोग करेंगे, टू का नहीं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ना केवल स्पॉटिंग एरर में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में और आपके फिलर्स में पूछे जाते हैं, बल्कि इस तरह के क्वेश्चंस यदि आप करते हैं तो आपका एक कमांड बनता है सब्जेक्ट पर, और आपका जो डर है वो भागता है इंग्लिश का। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, माय ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट टू द ब्लैक वन व्हिच आई यूजुअली वेयर। तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, सेड यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है प्रेफर्ड, तो इसलिए इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं वाइट शर्ट को ब्लैक शर्ट से, ब्लैक वन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस सेंस में हम टू का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, चूंकि दो नाउन को हम कंपेयर कर रहे हैं, और चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए हम वर का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये होगा इसका सही वर्जन, सही है, ऑलरेडी सेंटेंस पहले से ही सही है। माय ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट टू द ब्लैक वन व्हिच आई यूजुअली वेयर, ठीक है। तो चूंकि दो नाउन को इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने आई प्रेफर टी टू कॉफी का एग्जांपल आपको दिया था, तो उसी से मिलता जुलता ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस का आंसर होगा नो एरर, यानी डी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम। मतलब उसके मोरल का जो डिक्लाइन हुआ वो काफ़ी सारे फैक्टर्स से प्रभावित हुआ, ऐसे फैक्टर्स से प्रभावित हुआ जो किसी समय पर उसके लिए फैसिनेटिंग थे, अट्रैक्टिव थे, ठीक है। फैसिनेटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव होना। आई वॉज फैसिनेटेड, मतलब मैं फैसिनेटेड था, मैं अट्रैक्टिव था। एंड दीज थिंग्स आर फैसिनेटिंग टू मी, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए अट्रैक्टिव हैं।
तो यहां पर चूंकि इसको हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो वॉज के साथ यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है, तो ये पैसिव वॉइस का एक एग्जाम्पल है। फैक्टर्स के साथ यहां पर वर आया है, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा इसमें माइनर मिस्टेक है। द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल, एक मोरल क्या होता है? मोरल होता है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, सही और गलत की पहचान। तो एक एट्रीब्यूट है मोरल, एक करेक्टरिस्टिक है, और करेक्टरिस्टिक में गिरावट होती है, करेक्टरिस्टिक की गिरावट नहीं होती, करेक्टरिस्टिक में गिरावट होती है, ठीक है। तो डिक्लाइन इन हिज मोरल हम बोलेंगे, डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल नहीं बोलेंगे। डिक्लाइन ऑफ का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई पूरी की पूरी चीज नीचे आ रही है, जैसे पार्टी का डिक्लाइन होता है या किसी एम्पायर का डिक्लाइन होता है, ठीक है। लेकिन प्राइसिस के लिए और मोरल के लिए हम बोलते हैं डिक्लाइन इन हिज मोरल या डिक्लाइन इन द प्राइसिस, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें सही हैं, केवल ये जो है, ये जो प्रपोजिशन है इसमें ये गलत है। और इसमें आंसर क्या होगा आपका? ए इसमें आपका आंसर होगा, डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ ए पार्टी, डिक्लाइन ऑफ ए मैन, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन इन मोरल और डिक्लाइन इन प्राइसेस जो है वो सही हैं। और सही सेंटेंस होगा, द डिक्लाइन इन हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं हम। सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ माइन्यूट फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया गया है। आपने इन रॉक्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, फोर्थ फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में। और यहाँ पर एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेक किया जा रहा है। कंप्राइज के बाद हम एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लगाते, पैसिव वॉइस में हम लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्राइज का अर्थ होता है कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये ऐसा लग रहा है कि पैसिव वॉइस है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम इज एम आर लगाते हैं। पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट टेंस में, या तो इज एम आर आएगा या वॉज वर आएगा, तो इज एम आर और वॉज वर तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते, तो इसमें कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो कि सेडिमेंट्री रॉक को मॉडिफाई कर रहा है। सेडिमेंट्री रॉक जो थी वो कैसी थी? वो कंप्राइज्ड थी, ठीक है, वो माइन्यूट फ्रेगमेंट से मिलकर बनी थी, वो कंप्राइज्ड थी माइन्यूट फ्रेगमेंट से। तो इसलिए यहाँ पर कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि पैसिव वॉइस की तरह। तो इसलिए चूंकि एक्टिव वॉइस है इसमें हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। और बी इसमें आपका आंसर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को, व्हेन यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस कंप्राइज इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ, बट व्हेन यूज्ड इन द पैसिव वॉइस इट इज फॉलोड बाय ऑफ, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम ऑफ का यूज नहीं करते कंप्राइज के बाद, पैसिव वॉइस में हम करते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिए, द प्रोग्राम कंप्राइजेस टू शॉर्ट प्लेज, मतलब प्रोग्राम के अंदर दो शॉर्ट प्लेज हैं। प्रोग्राम जो है वो दो शॉर्ट प्ले से मिलकर बना है। प्रोग्राम सिंगुलर है इसलिए इसमें हमने कंप्राइजेस का प्रयोग किया है। और द प्रोग्राम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू शॉर्ट प्ले, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम इज एम आर लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये जो है ये सही है, यहां पर हम ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। ये होगा इसका सही सेंटेंस, कंप्राइज्ड के बाद इसमें हम ऑफ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू, मतलब उसका जो समापन भाषण था, उसका जो कंक्लूडिंग रिमार्क था, उसमें उसने कुछ नहीं कहा जो सुनने लायक था। जब हम वर्थ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे वर्थ रीडिंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ लिसनिंग, इसका मतलब होता है, जैसे वर्थ रीडिंग का अर्थ होता है पढ़ने लायक, वर्थ वॉचिंग का मतलब होता है देखने लायक, वर्थ लिसनिंग का अर्थ होता है सुनने लायक। लेकिन इस सेंस में हम वर्थ लिसनिंग के बाद टू का प्रयोग नहीं करते। लिसन जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, लिसन केयरफुली, लिसन एक वर्ब है और केयरफुली एक एडवर्ब है। लिसन टू द रेडियो में लिसन वर्ब है
टू एक प्रपोजिशन है और द रेडियो जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. द रेडियो इज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो लिसन चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता. इसके बाद प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है टू, और यदि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद फिर हम प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. जैसे यहां पर देखिए, वी लिसेंड बट हर्ड नथिंग. हमने लिसन किया लेकिन कुछ भी सुना नहीं. लिसन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को सुनना, हर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनना. जैसे आई कैन हियर द नॉइज, मैं शोरगुल की आवाज़ सुन सकता हूँ. और जैसे हम बोलते हैं लिसन टू मी, मतलब मुझे सुनो. तो लिसन के साथ, लिसन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को सुनना और हियर का अर्थ होता है किसी भी चीज को सुनना. ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. अब यहां पर देखिए, लिसन टू व्हाट आई से, लिसन के बाद प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है. लिसन टू, सुनो किसको, जो मैं कह रहा हूं, व्हाट आई से. तो व्हाट आई से जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह इसमें काम कर रहा है. तो ये सारे जो सेंटेंस हैं ये सही हैं. और इसमें सही सेंटेंस आपका होगा, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग. ठीक है, वर्थ लिसनिंग टू नहीं बोलेंगे, वर्थ लिसनिंग केवल बोलेंगे. आगे हम देखते हैं, शी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट देन द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर. देखिए, डिफरेंट के बाद जो प्रपोजिशन आता है, डिफरेंट अपने बाद जो प्रपोजिशन लेता है वो लेता है फ्रॉम, देन नहीं लेता. डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन नहीं. किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होना, तो से के लिए है यहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे. शी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर. मेरे पास उसका जो फोटोग्राफ था उससे वो काफी अलग लगती थी. ठीक है, लेकिन यदि डिफरेंट के बाद नाउन का प्रयोग हम करते हैं, जैसे यहां पर डिफरेंट बुक. ठीक है, यहां पर हमने किया है डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के बाद हमने किसका प्रयोग किया है, प्रपोजिशन का. तो यदि डिफरेंट के बाद कोई प्रपोजिशन आएगा तो वो आएगा फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम. लेकिन डिफरेंट के बाद यदि कोई नाउन आ जाती है, डिफरेंट बुक, तो वहां पर हम देन का प्रयोग कर सकते हैं और ये जो सेंटेंस है ये एक्सेप्टेबल है और ग्रामेटिकली करेक्ट है. आगे हम देखते हैं, द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अवे व्हेन द पुलिस रिकग्नाइज्ड हिम ऑन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. जब क्रिमिनल को रिकग्नाइज कर लिया पुलिस ने, उसको पता पड़ा कि उसको पहचान लिया गया है, तो वो कैसा होगा? वो निश्चित रूप से बहुत ही आश्चर्य में आ जाएगा या भौचक्का रह जाएगा या एकदम एस्टोनिस्ट हो जाएगा. ठीक है, टेकन अवे का क्या अर्थ है? टेकन अवे का मतलब है किसी चीज को वापस ले लेना, टेक बैक या टेक अवे. ठीक है, लेकिन यहां पर आपको जो सेंस लगाना है वो आश्चर्यचकित होने का लगाना है, भौचक्का रह गया. तो उसके लिए हम बोलते हैं द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अबैक. अबैक वर्ड का हम यूज करते हैं, ना कि अवे. ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा. कुछ फ्रेजल वर्ब हम यहां पर देखते हैं, टेक, टेकन अबैक, ये पैसिव वॉइस में यूज होता है. इसका अर्थ होता है सरप्राइज्ड होना, एस्टोनिश्ड होना, स्टार्टलेड होना या डिसकंसर्टेड होना. डिसकंसर्टेड का अर्थ होता है कंफ्यूज हो जाना बहुत ज्यादा, डिसकंसर्टेड. टेक टू, किसी चीज को, किसी चीज की आदत यदि आपको पड़ जाती है, जैसे शराब की लत लग जाना या किसी भी चीज की आदत पड़ जाना, तो उसके लिए हम टेक टू फ्रेज का प्रयोग करते हैं. ही हैज रिसेंटली टेकन टू ड्रिंकिंग. ठीक है, टेक टू का ये भी बहुत कॉमन है. टेक टू, टेकअप का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड हो जाना या उस चीज को शुरू कर देना, उसमें इंगेज हो जाना. ठीक है, जैसे आई हैव टेकन अप अ जॉब. टेकअप का मतलब जगह घेरना भी होता है, टू ऑक्यूपाई अ प्लेस, टेकअप. ठीक है, टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना. टेक अवे यदि हम मिला के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है मेन पॉइंट्स, किसी भी चीज के मेन पॉइंट्स. या रेस्टोरेंट से जो हम खाना घर के लिए ले जाते हैं पैक करा के, उसको भी हम टेक अवे बोलते हैं. तो इस सेंस में भी टेक अवे का यूज होता है, टेक अवे का इस सेंस में भी यूज होता है. तो यहां पर मैंने काफी सारे इसमें फ्रेजेस दिए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं और ये होगा सही सेंटेंस. द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अबैक व्हेन द पुलिस रिकग्नाइज्ड हिम ऑन द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है. आगे हम कुछ सेंटेंस और देखते हैं. व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड ऑन हिम विद ए नाइफ. देखिए, अटैक क्या है? अटैक, अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. इसके बाद ऑन का प्रयोग हम नहीं करते. जैसे अटैक समथिंग,
ठीक है, अटैक ऑन समथिंग नहीं, अटैक समथिंग, जैसे इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1962, या चाइना अटैक्ड पाकिस्तान, या चाइना अटैक्ड इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद अटैक ऑन समथिंग हम नहीं बोलेंगे जब इसको हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन अटैक को जब हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो उसका अर्थ होता है आक्रमण। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एन अटैक ऑन माई लाइफ, तो जब नाउन की तरह आप यूज़ करेंगे इसको तो आप ऑन लगा सकते हैं इसमें। मेक एन अटैक भी होता है, मेक एन अटैक ऑन समथिंग, ठीक है। और एन अटैक, एन लगा है इसका मतलब ये नाउन है, यहाँ पर एन लगा हुआ है, एन अटैक ऑन माई लाइफ। और यदि एन नहीं लगा है तो इसका मतलब है ये वर्ब है, और वर्ब की तरह जब हम इसका यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर, ठीक है, अटैक समबडी या समथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये होगा इसका सही वर्जन, व्हाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन, रफियन मतलब जो गुंडे टाइप के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रफियन, व्हाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड हिम, अटैक ऑन हिम नहीं, अटैक्ड हिम। अब इस आप ये कैसे पहचानेंगे कि इसका प्रयोग हम वर्ब की तरह कर रहे हैं या नाउन की तरह कर रहे हैं? देखिए इसमें ईडी लगा हुआ है, और ईडी जो हम लगाते हैं वो हम वर्ब में लगाते हैं, नाउन में नहीं लगाते, तो इसलिए ये वर्ब है। और जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसके बाद फिर हम ऑन नहीं लगाते जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये गलत है इसमें, ठीक है। नाउन की तरह जब हम यूज़ करेंगे तो फिर ऑन हम लगा सकते हैं। और आप पहचानेंगे कैसे कि ये नाउन है? आप पहचान सकते हैं इस आर्टिकल से, एन से, ठीक है। यहाँ पर भी एन है और यहाँ पर भी एन है, तो इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई, ही वुड डाई सही है क्योंकि वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट मतलब वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी को ये क्लियर था, ये ऑब्वियस था कि यदि पेशेंट को मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो वो मर जाएगा। लेकिन अपेरेंट के बाद हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अपेरेंट टू समबडी, इट वॉज अपेरेंट टू मी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपेरेंट टू समबडी, क्लियर टू समबडी और ऑब्वियस टू समबडी। इट वॉज अपेरेंट टू एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई, तो अपेरेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। एक सेंटेंस और देखते हैं, एट फर्स्ट लुकिंग द पीपल लुक्ड वेल इनफ बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सॉ दैट देयर फेसेस वर फिल्ड विद डिस्पेयर, मतलब पहली नज़र में देखने पर पता पड़ा कि लोगों की हालत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा क्लोजली जब एग्जामिन किया तो हमें लगा कि उनके चेहरों पर उदासी फैली हुई थी, देयर फेसेस वर फिल्ड विद डिस्पेयर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में गलती क्या है? जब हम किसी चीज़ को पहली बार एग्जामिन करते हैं, पहली बार देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एट फर्स्ट साइट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। तो इसलिए एट फर्स्ट लुकिंग नहीं बोलेंगे, एट फर्स्ट साइट बोलेंगे। व्हेन फर्स्ट सीन और कंसीडर्ड इफ इट अपीयर्स एट फर्स्ट साइट टू बी अ सिंपल मैटर ऑफ हायरिंग मोर पीपल, एट फर्स्ट साइट मतलब जब आपने पहली बार उसको देखा या कंसीडर किया, तो इन प्लेस ऑफ लुकिंग यू कैन से एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट लुक, इन प्लेस ऑफ एट फर्स्ट लुकिंग यू कैन से एट फर्स्ट साइट, ओके। सो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने करीब 12 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, और ये काफ़ी यूजफुल और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट हैं जो कि बैंकिंग, SSC और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपना फीडबैक आप जरूर मुझे दीजिए इस ईमेल आईडी पर और इन नंबर्स पर। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।